बैक साइड पे ग्लास प्रोटेक्शन के साथ कैमरा सेटअप इसके अंदर प्रोवाइड कराया जाएगी। 6.5 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले प्रोवाइड कराया जाएगी जिसकी स्टॉप स्पीड है 154 का रिफ्रेश के साथ आती है। मीडियाटेक डिमेंसिटी 9200 प्लस जीपीएस इसके अंदर प्रोवाइड कराया जाएगी। मेन जो कैमरा है 108 मेगापिक्सल का ओआईएस की सपोर्ट के साथ आती है। हाय गाइस, मैं हूं पोसेन, आप देख रहे हैं टेक क्रेजी ब्रो। इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूं IQZ सीरीज की, Z8 प्रो स्मार्टफोन की। आपको पता है पिछली वीडियो में IQZ8 की डीप रिव्यू किया था, तो उस वीडियो आपने नहीं देखी होगी, आई बटन पे और एंड स्क्रीन पे आपको देखने के लिए जरूर उस वीडियो को देख लेना, क्योंकि लो बजट के अंदर सबसे बेस्ट स्मार्टफोन है, गेमिंग सबसे बेस्ट स्मार्टफोन आपको मैंने रिव्यू ऑलरेडी कर चुका हूं। दिन पहले IQZ7 इंडिया मार्केट पे लॉन्च हुआ जो स्मार्टफोन है, इस स्मार्टफोन की आपको परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी आपको देखने के लिए मिल गया था, क्योंकि इसके अंदर जो प्रोसेसर यूज किया था, इसके अंदर जो बिल्ड क्वालिटी है, गेमिंग के लिए सबसे बेस्ट है। तो कुछ दिन गया गाइस, उसके बाद IQZ8 सीरीज की स्मार्टफोन चाइनीज मार्केट पे अंदर लॉन्च हो चुका है। स्मार्टफोन है इंडिया मार्केट पे बहुत जल्द आने वाला है, सबसे गेमिंग बेस्ड स्मार्टफोन आपको देखने के लिए मिलेंगे। आप लास्ट तक जरूर वीडियो को देखते रहना। IQZ8 प्रो बहुत ही कमाल की स्मार्टफोन और बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी आपको देखने के लिए मिलेंगे। और गाइस, ये जो स्पाइस है, प्राइस के हिसाब से सबसे बेस्ट आपको गेमिंग स्मार्टफोन देखने के लिए मिल जाती है। जानकारी और फुल स्पेसिफिकेशन के लिए लास्ट तक वीडियो को देखते रहना। फर्स्ट गाइस बात कर लेते हैं डिजाइन परफॉर्मेंस की। IQZ8 Pro 5G की जो बैक साइड पे आपको ग्लास प्रोटेक्शन के साथ आपको देखने के लिए मिल जाती है, 3 कैमरा सेटअप के साथ आती है, देखने में आपको प्रीमियम जैसा लुक देखने के लिए मिल जाती है। साथ ही आपको फ्रंट पे मिडिल कार्ड आउट के साथ सिंगल सेल्फी फ्रंट कैमरा प्रोवाइड कराया जाएगी, जो लुक है काफी यूनिक सा लुक आपको देखने के लिए मिल जाती है, और इसके साथ आपको क्रॉप डिस्प्ले प्रोवाइड कराया जाएगी। से ये जो स्मार्टफोन है काफी लाइट ऑयड के साथ आपको प्रोवाइड कराया जाएगी, तो इसकी जो बॉडी ऑयड है 105 ग्राम बॉडी ऑयड इसकी देने के लिए मिल जाती है, उसके साथ 9.2 mm की थिकनेस प्रोवाइड कराया जाएगी। नेक्स्ट गाइस बात कर लेते हैं डिस्प्ले परफॉर्मेंस की। IQZ8 Pro के आपको 6.5 इंच का सुपर AMOLED डिस्प्ले प्रोवाइड कराया जाएगी, इसके अंदर आपको सुपर फास्ट 144 हॉर्स की रिफ्लेक्स रेट प्रोवाइड कराया जाएगी। इस डिस्प्ले आपको बिल्कुल भी क्रॉप डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है, ये जो डिस्प्ले है फ्लैट डिस्प्ले गाइस नहीं है, इसके अंदर आपको क्रॉप डिस्प्ले प्रोवाइड कराया जाएगी। इसके अंदर आपको HDR की सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाएगी। और गाइस कलर वेरिएंट की बात करूं, आपको बहुत ही हाई परफॉर्मेंस कलर वेरिएंट इसके अंदर आपको देखने के लिए मिल जाती है। और गाइस ये जो डिस्प्ले है 2K डिस्प्ले आपको प्रोवाइड कराया जाएगी 1 मिलियन कलर वेरिएंट के साथ। और गाइस इसके अंदर जो ब्राइटनेस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे 1300 यूनिट ब्राइटनेस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, 1800 NIT इसके अंदर प्रोवाइड कराया जाएगी। और गाइस इसकी जो बार पे आप गेमिंग परफॉर्मेंस कर सकते हैं और हाई क्वालिटी वीडियो भी बार पे शूट कर सकते हैं, और वीडियो क्वालिटी काफी आपको दमदार देखने के लिए मिल जाती है। नेक्स्ट गाइस बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की। IQZ8 Pro के अंदर आपको मीडियाटेक से आने वाला मीडियाटेक 9200 प्लस चिपसेट देखने के लिए मिल जाती है। पिछली वीडियो में आपको पता ही है गाइस, IQZ8 पे आपको 8200 चिपसेट देखने के लिए मिल रहा था, वो कितनी फास्ट और कितनी गेमिंग के लिए बेस्ट होती है, और ये जो 9200 प्लस आपको चिपसेट देखने के लिए मिल जाते, तो गाइस सोचो आप ये जो प्रोसेसर है कितनी फास्ट आपको गेमिंग परफॉर्मेंस कर सकते हैं। और गाइस इसका जो कोर है 10x के आसपास इसके आपको एंटी स्कोर देखने के लिए मिल जाती है, और गाइस इसके अंदर लैग और हीटिंग की कोई भी इशू आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। प्रोसेसर को लेके गेमिंग परफॉर्मेंस के भी आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। और गाइस इसके अंदर जो आपको प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाती है 4nm की चिपसेट देखने के लिए मिल जाती है, जिसकी टॉप स्पीड है 3.3 GHz की टॉप स्पीड आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। और इसके अंदर जो आपको चिपसेट मिल रहा है तो गेमिंग के लिए सबसे बेस्ट है, जितनी हर तरह की पावरफुल गेम है आप आसानी से इस फोन के अंदर खेल सकते हैं, और जितने भी एक्स वगैरह है इजीली आप इस फोन के अंदर रन कर सकते हैं, बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। और गाइस गेमिंग के लिए मैंने पहले ही बताया सबसे बेस्ट और चीपेस्ट प्राइस पे आपको बेस्ट स्मार्टफोन आपको देखने के लिए मिल रहा है। नेक्स्ट गाइस बात कर लेते हैं रैम और स्टोरेज परफॉर्मेंस की। IQZ4 के अंदर आपको जो दो वेरियंट देखने के लिए मिल जाती है, फर्स्ट वेरियंट पे आपको 8GB रैम के साथ 250GB स्टोर देखने के लिए मिल जाती है, और टॉप वेरियंट पे आपको 12GB
रैम के साथ 250 GB स्टोर देखने के लिए मिल जाती है, तो है काफी अच्छी बात है गाइस। दो वेरिएंट आप कोई भी एक वेरिएंट चूज कर सकते हैं, और गाइस प्राइस इसके लिए थोड़ा आपको टॉप वेरिएंट पे ज्यादा देखने के लिए मिल सकती है। नेक्स्ट गाइस बात कर लेते हैं कैमरा डिपार्टमेंट की। क्योंकि ये जो स्मार्टफोन है इसकी रियल साइड पे आपको 3 कैमरा सेटअप देखने के लिए मिल जाती है। जो मेन कैमरा है आपको 108 MP का OIS सपोर्ट मेन कैमरा सेंसर देखने के लिए मिल जाती है, और सेकेंड पे आपको 8 MP का अल्ट्रा लेंस सपोर्ट देखने के लिए मिल जाती है। थर्ड पे आपको 2 MP का डेप्थ सेंसर देखने के लिए मिल जाती है। और गाइस ये जो कैमरा सेटअप है बैक साइड आप 8K के वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे डे और नाइट पे। इसके अंदर नाइट फीचर्स भी आपको अवेलेबल देखने के लिए मिल जाती है, और गाइस आप 8K के वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे 60 FPS के साथ। और गाइस फ्रंट कैमरे की बात करूं, सिंगल सेल्फी फ्रंट कैमरा 32 MP का देखने के लिए मिल जाती है, जो मिडिल कार्ड आउट के आपको देखने के लिए मिल जाती है। और गाइस ये जो फ्रंट कैमरा है इस फ्रंट कैमरे से आप 2K वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे और अच्छी क्वालिटी पिक आप निकाल पाएंगे। और गाइस आप सेल्फीज के लिए अच्छी कैमरा आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, जो बिल्कुल भी आप DSLR कैमरा जैसा पिक इसके अंदर निकाल पाएंगे। नेक्स्ट गाइस बात कर लेते हैं बैटरी परफॉर्मेंस की। इस फोन के अंदर आपको 5000 mAh की एक बड़ा सा बैटरी कराई जाएगी। इस बड़ा बैटरी को फास्ट चार्ज करने के लिए, क्विक चार्ज करने के लिए गाइस 120 वाट का फास्ट चार्जिंग एडाप्टर सपोर्ट देखने के लिए मिल जाती है, साथ ही में आपको USB टाइप सी पोर्ट के साथ आती है। गाइस ये जो फास्ट एडाप्टर है इसके अंदर आपको बहुत जल्द स्मार्टफोन को चार्ज करा देंगे। नेक्स्ट गाइस बात कर लेते हैं अदर फीचर्स की। IQ Z8 Pro के अंदर आपको 3.5 mm की ऑडियो जैक इस बार प्रोवाइड कराया जा रहा है, उसके स्मार्टफोन को और ज्यादा सिक्योर बनाने के लिए। इसके अंदर आपको ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट लॉक सेंसर प्रोवाइड जाएगी, जो अच्छी क्वालिटी की है और आपकी फोन को बहुत ज्यादा सिक्योर आपको कर देंगे। और गाइस इसके अंदर आपको फेस लॉक भी देखने के लिए मिल जाती है। ये जो स्मार्टफोन है 5G पे बेस्ड होगी इंडिया के लिए, दोनों सिम आपको 5G देखने के लिए मिल जाएंगे, और इसके साथ आपको एंड्रॉइड 13 पे ये स्मार्टफोन वर्क करती है। उसके साथ आपको Wi-Fi 6 Bluetooth 5.3 इसके अंदर देखने के लिए मिल जाती है। और गाइस इसके अंदर जो साउंड सिस्टम आपको प्रोवाइड कराया जाएगी, बहुत ही अच्छी क्वालिटी साउंड सिस्टम आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। नेक्स्ट गाइस बात कर लेते हैं प्राइस और इंडिया लॉन्चिंग डेट के बारे में। 8GB रैम के साथ 128GB स्टोरेज आप लेते हैं, तो इसका जो रियल प्राइस है, रियल प्राइस आपको जो अपडेट आया था अपडेट के हिसाब से जो रियल प्राइस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे 22,000 अराउंड आपको प्राइस देखने के लिए मिल जाती है। और गाइस आपको जो टॉप वेरिएंट है 12GB रैम के साथ 150GB स्टोर का जो प्राइस है 30,000 के आसपास इस स्मार्टफोन की प्राइस आपको देखने के लिए मिल जाती है। नेक्स्ट गाइस बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन की लॉन्चिंग डेट के बारे में। तो इंडिया पे ये स्मार्ट आपको 2024 को जनवरी और फरवरी पे बीच पे आपको देखने के लिए मिल जाती है। और गाइस ये जो स्मार्टफोन है इस स्मार्टफोन के बारे में आप क्या सोचते हैं, और IQ कितना गेमिंग के लिए फास्ट है, तो आप IQ की स्मार्टफोन यूज करते हैं, और गाइस इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस कैसी है जरूर मुझे कमेंट पे कमेंट कर देना। आप IQ को लाइक करते हैं तो जरूर वीडियो को एक लाइक कर देना, और गाइस आप नेक्स्ट टाइम ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल के जरूर सब्सक्राइब करके रखना, और फेसबुक पेज से आप वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कर देना नेक्स्ट टाइम ऐसी वीडियो देखने के लिए। और गाइस मेरे फेसबुक पेज को आप फॉलो नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको लिंक है, लिंक पे जाके आप जरूर पेज को फॉलो कीजिए, उसके अंदर आपको लेटेस्ट स्मार्टफोन की अपडेट सबसे पहले मिल जाएंगे। और गाइस ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो पे, टाटा एंड बाय।